रिलीज से 5 दिन पहले क्यों पोस्टपोन हुई कंगना की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी। कंगना रनौत पिछले कई टाइम से लाइमलाइट में बनी हुई हैं, जिसकी वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी। कंगना रनौत ने देश के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट और चर्चित विषय आपातकाल पर फिल्म बनाई है, जो 1975 से 1977 के दौरान देश भर में लागू की गई थी। इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले ने पूरे देश पर इफेक्ट डाला था। अब इस पर बनी फिल्म 6 सितंबर को रिलीज की जानी थी, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट टल गई है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे पहले भी एक्ट्रेस की इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार टली है, लेकिन इस बार तो रिलीज के 5 दिन पहले कंगना की फिल्म को ये झटका लगा है। आपको बता दें, फिल्म के रिलीज डेट टलने की वजह सेंसर बोर्ड है। दरअसल फिल्म को फिलहाल सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिसके चलते इमरजेंसी की रिलीज डेट को फिर टाल दिया गया। इससे पहले खुद एक्ट्रेस ने इसकी इन्फॉर्मेशन अपने फैंस को दी थी। दूसरी तरफ इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत के फैंस के बीच एक अलग ही हाइप बनी हुई है। कंगना के फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फिल्म का। आपको बता दें, इसकी इन्फॉर्मेशन खुद एक्ट्रेस ने दी। शुक्रवार को एक्ट्रेस ने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कहती है, ऐसे अफवाहें फैल रही है कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ये सच बिल्कुल नहीं है। दरअसल हमारी फिल्म को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सर्टिफिकेशन रोक दिया गया है, क्योंकि कई तरह की धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, सेंसर बोर्ड के सदस्यों को धमकियां मिल रही हैं, हम पर दबाव है कि हम इंदिरा गांधी की हत्या ना दिखाएं, भिंडरांवाले ना दिखाएं, पंजाब दंगे ना दिखाएं। मुझे नहीं पता कि तब दिखाने के लिए क्या बचेगा। ये मेरे लिए अविश्वसनीय है और मुझे इस देश की स्थिति के लिए बहुत खेद है। इसी के साथ आपको बता दें, एक्ट्रेस की फिल्म को लेकर तब कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब कुछ हफ्तों पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। इमरजेंसी के ट्रेलर में खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अलग सिख राज्य के लिए इंदिरा गांधी की पार्टी का समर्थन करने का वादा करते हुए दिखाया गया है। इससे नाराज होकर दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल ने CBFSC को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें सिखों के चित्रण के कारण फिल्म को रोकने के लिए कहा गया और तभी से ये बवाल शुरू हुआ। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कितना वेट कर रहे हैं एक्ट्रेस की दमदार फिल्म को लेकर? कमेंट करके बताइए अपनी राय।